और लोग बताइए, क्वालिफाई करके ही छोड़ना है, कुछ भी हो जाए ध्यान रखना, इसलिए लगाना जरूर सब लोग अच्छे से, जितने हो सबके सब क्वालिफाई होना चाहिए नेट। और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस अच्छे से पढ़ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना, उसकी बात ही कुछ और होती है भाई। थर्टी 37, हाँ ये तो हम पूरा कर चुके थे इधर वाले। एमसीक्यू का बात की बात करनी थी हमको, फर्स्ट 9, 10, और बीच में कोई एक बार पूछा था 1, 2, 3, फर्स्ट 9, 10। चल पहले छोटा वाला पहले बता, पहले 2 बता दे, ठीक है? छोटे छोटे हैं बस, सब बताएं, कोई बहुत बड़े नहीं है कोई, लेकिन थोड़ा सा आसान आसान है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, पहले वो वाले उनको करा दे रहे हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर कह रहा है, लेट ए बी आर 5x5 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद एंट्रीज इन आर एंड बी बी द 5x5 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये आपका आया था एग्जाम में, दिसंबर 2012 का है ये। ए जो है वो आपकी 5x5 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, शॉर्ट में लिख दिया, कोई लैंग्वेज नहीं लिख रहा, समझ जाए उसका मतलब, 5x5 सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा दिया, लिख दिया आगे शॉर्ट में हमने। विद एंट्रीज इन आर मतलब सारे रियल नंबर हैं, एंट्रीज इन आर का मतलब इसमें जितने भी हैं अंदर मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है दे ऑल आर रियल नंबर्स, एंड बी बी द 5x5 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक सॉरी, यह है जो 5x5 जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, ऊपर वाली स्क्यू है, धोखे से लिख दिया हमने, यह वाली स्क्यू है और ये वाली सिर्फ सिमेट्रिक है। आगे बढ़ते हम लोग, हुज आई कॉमा जी एफ एंट्री इज द बाइनोमियल कोफिशियंट इतना, मतलब ये सीधी सी बात कह दे, मतलब ए आई जे जो है वो बाइनोमियल कोफिशियंट आई या जे, इसका मतलब ये होता है, अच्छा भाई आई सी जे, अरे जैसे एनसीआर था ना, अरे आईसीजे भाई वाला एनसीआर है भाई, ये बस ये एन है ये सी आर, इसको ये भी नोट करते हैं, ऐसे भी लिखते हैं इसको, ऐसे कभी ऐसे लिखा हो तो समझ जाना इसका मतलब ये है एनसीआर है, ठीक है? आई कॉमा जी एफ एंट्री का मतलब है ए आई जी, अच्छा भाई ये लिखा ना, इसका मतलब क्या है, ऐसे भी लिखा है उन्होंने आई कॉमा जी एफ एंट्री, बात वही है, इसका मतलब भाई ए आई जे, फॉर आई और जे 1 से 5 है, मालूम ही भाई आई और जे क्या है, आई आई आपको पता ही एनसीआर में एन क्या होता है, हमेशा आर या आर से छोटा, ठीक है बड़ा सॉरी, तो वैसे इसमें आई जो है वो जे या जे से बड़ा है, और ये आपका 1 या 1 से ज्यादा, और लेकिन 5 या 5 से कम है, ये दोनों ही आई और जे दोनों ही, आई जो है वो जे से क्या लिखा है, एक मिनट रुक जरा, आई लिखा है आपका जे से छोटा है, यार अगर आई जे से छोटा हो जाएगा तब तो जीरो आ जाएगी यार ये वैल्यू, तो तब तो जीरो आ जाएगा फिर तो, फिलहाल चलो कोई बात नहीं कर दे रहे यार, आई जे से छोटा है बराबर भी तो है लेकिन, हाँ नहीं हमेशा जीरो नहीं आएगा भाई, ये आई जे से छोटा है या बराबर है, अगर इसी में याद रखना है एनसीआर में अगर एन कभी आपका आर से छोटा होता है तो फिर एनसीआर की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है याद रखना हमेशा, और अगर एन बराबर आर हो जाए तो उस केस में अगर एन और आर बराबर हो जाएंगे तो एनसीआर की वैल्यू 1 होती है, ठीक है? चलो भाई ये बात याद रखना, तो भाई चीज यहां पर हो जाएगी। आगे सुनना जरा सा, फिर क्या कह रहा है, कंसीडर द 10x10 मैट्रिक्स गिवेन इन द ब्लॉक, एक 10x10 मैट्रिक्स है गिवेन इन ब्लॉक, तो 10x10 मैट्रिक्स यानी सी बनाई जा रही है, सी एक मैट्रिक्स बनाई जा रही है, वो क्या दी हुई है, वो दी आपको ए 0 ए प्लस बी और 0, मतलब इसमें क्या, ये क्या है, ये पूरी ए मैट्रिक्स है, ये कौन है ए प्लस बी मैट्रिक्स है, ये कौन है, ये आपका 0 है, यहाँ 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स है, अच्छा भाई यहाँ 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स होगा, और ये क्या है आपका बी मैट्रिक्स है, ठीक है यहाँ मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है, ए प्लस बी के मैट्रिक्स का सम है, और ये पूरी मैट्रिक्स बी है,
और ये मैट्रिक्स जीरो है या जीरो या जीरो मैट्रिक्स हो सकती है, और ये सब ये पूरी सी भी मैट्रिक्स है, तो अंदर जो बनी हुई है सब ब्लॉक्स हैं आगे। तो देन पहला डिटर्मिनेंट ऑफ सी जो है वो वन होगा या माइनस वन होगा, ये ऑप्शन सही है, मल्टी करेक्टर एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ सी जीरो है, और तीसरा है आपका ट्रेस ऑफ सी जो है वो आपका जीरो है, और चौथा ऑप्शन है ट्रेस ऑफ सी जो है वो पांच है, ये चीज है। तो चलिए भाई स्टार्ट हम लोग जरा करते हैं। तो एक बात, पहली चीज ए आपसे कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो कि ऑड ऑर्डर की है, दिख ही रहा है भाई, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो कि ऑड ऑर्डर की है, आपको दिख रहा है भाई कि ए जो है इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, यहां लिख दे रहे हम लोग ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक है और ऑर्डर कितना है पांच बाई पांच, मतलब ऑड ऑर्डर हो गया, ऑड पांच ऑड नंबर होता है, ऑफ ऑड ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है ए की डिटर्मिनेंट जीरो हो गई, ए की डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी जीरो, ठीक है। अच्छा अब बात करो जरा बी की, आ जाओ बी की बात करो भाई, जब ए की डिटर्मिनेंट जीरो है तो बी की डिटर्मिनेंट तो कुछ भी हो सकती है, बी तो सिमेट्रिक है, बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की कोई कंडीशन नहीं है भाई, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है क्योंकि सारे एलिमेंट रियल हैं, तो इसलिए कोई भी रियल नंबर हो सकती है बी की डिटर्मिनेंट, इसलिए बी की तो कोई कंडीशन नहीं है। अब ये बात करो सी की डिटर्मिनेंट की, बात करो सी की डिटर्मिनेंट, एक बात सुन लेना भाई, ये ब्लॉक मैट्रिक्स एमएससी फाइनल वालों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, एमएससी जो कर चुका है, बाकी लोग भी अगर जो है जेएमएम वाले वो सुन ले भाई, ये मैट्रिक्स के अंदर जब ये मैट्रिक्स होती है, ठीक है, तो ये बड़ी वाली पूरी मैट्रिक्स को कहते हैं ब्लॉक मैट्रिक्स, ये पूरी सी जो है देखो, तो ये ए बी मैट्रिक्स है, बी बी मैट्रिक्स है, ए प्लस बी बी, जब ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी बी मैट्रिक्स होगा, और यहाँ पे जीरो या जीरो मैट्रिक्स होगी, ठीक है, और जब ये मैट्रिक्स है ये तो सी, ये पूरी कंबाइन करके उन्होंने सी मैट्रिक्स बता दिया है, जब मैट्रिक्स के अंदर ये मैट्रिक्स होती है तो इसे कहते हैं ब्लॉक मैट्रिक्स, तो सी क्या कहलाएगी, ब्लॉक मैट्रिक्स, ब्लॉक बी एल ओ सी के ब्लॉक, ठीक है। एमएससी अभी हम लोग एमएससी फाइनल में पढ़ाया जाता है अलजेब्रा में, तो जो लोग एमएससी फाइनल के जो लोग हैं वो अभी अलजेब्रा बाद में पढ़ेंगे, जो एमएससी कर चुके हैं वो नाम इससे अच्छी तरह इस नाम से वाकिफ है भाई, ब्लॉक मैट्रिक्स से जो लोग एमएससी फाइनल कर चुके हैं वो अच्छी तरह ब्लॉक मैट्रिक्स जानते हैं, जब एमएससी फाइनल में भी पढ़ेंगे, जो जैम वाले हैं वो ध्यान से सुन ले अच्छे से भाई, कि जब मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स दी रहा है समझ जाना, तो ये बड़ी वाली पूरी मैट्रिक्स कहलाती है ब्लॉक मैट्रिक्स। तो इनमें अगर आपको निकालना है डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट जो होती है वो हो जाती है इनकी डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट, डायगनल की डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट कर लो, ठीक है, जबकि ये क्या है ज्यादा जीरो है, तभी ये जीरो है तो इसकी डिटर्मिनेंट, ये जब ये लोअर ट्रायंगुलर है ना, देख लो अपर ट्रायंगुलर, सॉरी देखो सामने सी को ध्यान से दो, देखो जरा सी को ध्यान से, सी जो है वो आपकी अपर ट्रायंगुलर है, दिख रही सबको, सी जो है वो अपर ट्रायंगुलर है क्योंकि डायगोनल के नीचे जीरो है, ये जरूरी नहीं है जीरो एक जीरो है, ये बहुत ज्यादा जीरो भी हो सकते हैं, अभी हम थोड़ा सा फिगर जब इरेज कर देंगे थोड़ा सा, तो हम आपको बना के दिखाएंगे कि ये क्या चीज है दरअसल पूरा, अभी हम इरेज कर देंगे क्वेश्चन कराने दिक्कत होगी, अभी हमें पूरी मैट्रिक्स एक्सप्लेन कर देंगे बना के दिखा देंगे, लेकिन जरूरत नहीं है, तो हम सीधे आपको बता दें ये सी आपकी अपर ट्रायंगुलर है, ठीक है, नोट कर लेना, हर चीज हम बोर्ड पे नहीं ले सकते, हम सी जो मैट्रिक्स है वो आपकी अपर ट्रायंगुलर है क्योंकि डायगोनल के नीचे जीरो है, जीरो या जीरो के अलावा कई बार जीरो भी हो सकता है, यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स है यहाँ पर। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, क्योंकि ये ए और बी मैट्रिक्स से कोई एलिमेंट तो है नहीं, आपको याद होगा अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर डिटर्मिनेंट निकालनी होती थी तो डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो जाता था, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स तो है नहीं, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है पूरी सी, लेकिन ये अंदर एलिमेंट थोड़ी है, ये भी मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट अगर निकालोगे तो डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट नहीं होगा, इनका इनका डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट होता है बस, और कुछ नहीं, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर दोनों ही केस में। और भी क्या होता है और हम आगे बताएंगे,
ब्लॉक और डिटरमिनेंट निकालने की अगर मान लो जीरो ना होता तो क्या होता, हम उसके लिए आपको एक वीडियो भेजेंगे, शायद हमने भेजा भी होगा मेरे ख्याल से कभी, हम आपको भेजेंगे एक वीडियो भेजेंगे हम आप लोग को, छोटी सी है, ज्यादा नहीं, बहुत छोटी सी वीडियो है, ठीक है। उस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको डिटरमिनेंट निकालने का ही शॉर्टकट मालूम होंगे, ठीक है। अगर हम भूल जाए तो हमको मैसेज करके बाद में याद दिला देना, अगर हम भूल जाए दो एक दो घंटे बाद हमको मैसेज करके याद दिला देना तो हम भेज देंगे क्लास खत्म होने के एक आध घंटे बाद। तो फिलहाल अगर डायगनल के नीचे जीरो है या डायगनल के ऊपर सब जीरो है तो तब तो वह अपर ट्रायंगुलर हो जाएगी ना, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर हो जाएगी। तो उस केस में डिटरमिनेंट होती है इस मैट्रिक्स की पूरी, इनकी और इनकी डायगोनल की मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट का ये प्रोडक्ट। तो आपको मालूम है क्योंकि ए जीरो है और इसलिए कोई टेंशन ही नहीं, ये जीरो ही आना है। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया, नहीं पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा वाला सही हो गया, दूसरा कह रहा था डिटरमिनेंट जीरो होगी। द सेकेंड ऑप्शन इज एब्सोल्यूटली राइट, सेकेंड ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया भाई। अब आ जाते हम लोग, सेकेंड ऑप्शन तो आपका सही हो गया। अब आगे और चेक करो भाई, डिटरमिनेंट भाई दो ही ऑप्शन सही हो सकता है, तीन ना चार, क्योंकि पहला ऑप्शन में डिटरमिनेंट वन या -1, दूसरे में डिटरमिनेंट जीरो। तो अब ये सही हुआ तो ये अपने आप गलत हो गया, पहला तो अपने आप गलत हो गया, डिटरमिनेंट वन तो आई नहीं है, पहला अपने आप। और इन दोनों में कोई एक ही सही हो सकता है, या तो सी का ट्रेस 5 आएगा या सी का ट्रेस 0 आएगा, इन दोनों में कोई एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। चलो इसको इरेज कर रहे, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब ट्रेस की बात कर लो भाई, जरा सा हटाओ चलो इसको। अब जब ट्रेस की बात करोगे जब आप, तो हम लोग निकालते हैं ट्रेस ऑफ सी। ये तो आपको पता ही है भाई, ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल के एलिमेंट का सम। लेकिन यार डायगोनल में एलिमेंट तो है नहीं सी के, डायगोनल में खुद ही एक मैट्रिक्स है, खुद ही मैट्रिसेस हैं, तो सी का ट्रेस हो जाएगा ए का ट्रेस प्लस बी का ट्रेस, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स क्या है आपकी, ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, और स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, यानी ट्रेस भी जीरो। पक्का भाई, ट्रेस क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट्स का सम। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब हो गया डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, डायगोनल के सभी एलिमेंट होते हैं जीरो। भाई ऐसे शॉर्ट में लिख दे, देन ए आई आई जीरो फॉर ऑल आई, ए आई आई का मतलब था डायगोनल एलिमेंट, शॉर्ट में लिख दिया हमने, माने ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो। और आपको बताए ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है शॉर्ट में लिखे, ट्रेस होता है समेशन आई ए आई आई, अरे वही मतलब है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लिखे भाई, अब नेट के स्टूडेंट हैं, इसका मतलब वही है, समेशन आई, समेशन ऑफ ए आई आई ओवर आई, मतलब भाई ए वन वन प्लस ए टू टू प्लस ए थ्री थ्री, इसका ये मतलब ए थ्री थ्री ए फोर फोर ए फाइव फाइव, और ए वन वन ए टू टू ये सब एलिमेंट किसके होते, डायगनल के ही तो एलिमेंट होते हैं ये सब। तो यानी ट्रेस का मतलब क्या होता है, डायगनल के एलिमेंट का सम, और डायगनल के तो सारे एलिमेंट जीरो है ना, तो ये क्या बनेगा जरा बताओ भाई, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस कहाँ तक, सब जीरो जितने भी होंगे। अब डिपेंड करता है आई कितने होंगे, अगर ए आई 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है तो आई 3 तक चला जाएगा, 4 बाई 4 की मैट्रिक्स है तो आई 4 तक होगा, इस तरह से। फिलहाल ट्रेस क्या हो गया, ए का जीरो। अब नाउ वी आर गोइंग टू हैव द ट्रेस ऑफ बी। अब मैट्रिक्स बी का ट्रेस क्या होगा, तो बी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, बी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये सारी बात बी के लिए ही दी है उन्होंने, सारी बात बी के लिए ही दी है नीचे उन्होंने, जितनी ये बात दी हुई है आई एस जेड एंट्री, क्योंकि बुक में लिखा भी है भाई क्वेश्चन में, बी बी द 5x5 सिमेट्रिक मैट्रिक्स Who is I, I, comma, jth entry? It is all the, these conditions are for matrix B. ये सारी कंडीशन मैट्रिक्स बी के लिए हैं, ठीक है। अच्छा नाउ, अब और क्या कह रहा था भाई, जितनी बातें दी हैं कि बी सिमेट्रिक है, चलो बहुत अच्छी बात है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है भाई, ए आई जे बराबर ए जे आई, ए आई जे बराबर ए जे आई, है ना कि नहीं भाई। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि ए आई जे बराबर ए जी आई होता है भाई,
क्योंकि बी सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब है थोड़ा सा अगर लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी हमको, तो हम इसे तब तक तो इरेज कर ले, कोई काम नहीं है, ठीक है, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अभी हम सी को पूरा एक्सप्लेन करके आपको बना देंगे थोड़ी देर में। चलो यहाँ पर हम एक बात, क्योंकि आपको क्या है भाई उसी में है, सिंस बी इज सिमेट्रिक, तो आपको पता है ए आई जे बराबर क्या होता है सिमेट्रिक के लिए, ए जे आई। ए आई जे कौन है, आई सी जे, और ये कौन है, ए जे आई कौन हो जाएगा, अरे भाई पलट दो इसको, ए आई जे है तो यहाँ आई, यहाँ जे है, ए जे आई कहोगे तो यहाँ जे और यहाँ आई हो जाएगा, जे सी आई, इक्वल का निशान, इक्वल का साइन है तो ऊपर ऊपर वाले बराबर, नीचे नीचे वाले बराबर, इसका मतलब क्या हो गया, आई बराबर जे, या कह दो जे बराबर आई, बात एक ही है, ये बराबर है ना, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। आई बराबर जे का मतलब पता है क्या हो गया, आई बराबर जे का मतलब हो गया कि सारे एलिमेंट यहाँ पर नीचे जे नहीं है, यहाँ पर आई है। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, थोड़ा किनारे वाला बता दे रहे हम, इसका मतलब हो गया भैया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बी में सारे एलिमेंट कैसे हैं, जे और आई बराबर है ना, इसका मतलब है बी में जितने भी एलिमेंट हैं ए आई आई, सो ए आई जे जो है वो पूरा कौन होगा, आई सी आई, या कह लो जे सी जे, भाई दोनों बराबर है ना, तो चाहे आई की जगह जे कर दो, इसमें जे की जगह आई कर दो। और अच्छा ये बात ये हमको जरा बता दो भाई, बहुत कॉमन सी बात है, आई सी आई तो वन होता है ना, जब ऊपर नीचे सेम होता है तो वन होता है, फॉर ऑल आई कॉमा जे, मतलब समझ गए, इसका क्या मतलब हुआ, कोई बताइए हमको, इसका मतलब ये हुआ कि सारे एलिमेंट वन हो गए, यानी बी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट वन हैं। और आपको बताया बी कितने की मैट्रिक्स है, 5 बाई 5 की है, अगर बी 5 बाई 5 की और सारे एलिमेंट कौन है, वन है, सारे एलिमेंट वन है भाई, जितने हैं सब वन है, सब 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 वन है, लिख लेना भाई, ठीक है, तो डायगोनल के भी एलिमेंट वन, ट्रेस क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट का सम, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया 5, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो कौन सा सही है, दो ऑप्शन सही हो गए, दूसरा और चौथा, कोई डाउट हो तो मैं बताइए। अब हम आपको जरा सी बना के दिखा दे, दरअसल पूरा तो नहीं, क्योंकि सी कोई मैट्रिक्स बी तो है नहीं, और बी बी तो हमको पता होगी मैट्रिक्स क्या है, लेकिन ए नहीं पता ना आपको। सी आपको दिया क्या था, ये दिया था ए ए प्लस बी, यहाँ जीरो और यहाँ पर क्या लिखा था आपका बी। अगर इसको पूरा एक्सपेंड करके बनाएंगे हम लोग, जरूरत तो नहीं थी वहां क्वेश्चन में, इसलिए मैं नहीं बनाया, तो ए आपकी 5 बाई 5 की स्क्यू सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे बनता है भाई, ऐसे मैट्रिक्स नहीं बनाते अंदर हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब डायगोनल में क्या हो जाएगा, जीरो, थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा हमको इसको, डायगोनल में हो जाएगा जीरो, और क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है भाई, अब यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है पता ही आपको, यहाँ पर तो कोई भी हो सकता है, ये बनाएंगे मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स कभी नहीं बनाते हम लोग, यहाँ पर है मैट्रिक्स, लेकिन जब बनाएंगे मैट्रिक्स अंदर मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींचती है, अब ये वाली मैट्रिक्स पहले याद बना लो, बी वाली, या बी वाली बना लो, बी कौन है, बी तो आपको पता है सारे वन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अरे बना लेना भाई जरा से, 1 2 3 4 5, ये पूरे मैट्रिक्स बना लेना सही से, थोड़ा सा मेरा अरेंजमेंट बिगड़ गया है, वन के नीचे वन आएगा सब में, ये पूरा हो गया, यहाँ पर ए प्लस बी है तो इनको ऐड करके जो भी आएगा 5 बाई 5 की, ये भी आएगी 5 बाई 5 की, ये भी आएगी भाई, जो भी आएगा, अब जो भी आएगा हम बता, क्योंकि ए तो पता है नहीं, तो ए प्लस बी आप कैसे निकालोगे, बी तो पता है, ठीक है, बी पता है, बी के सारे एलिमेंट वन है, अभी भी हम लोग क्या है, तो ये हो गया, तो ये थी आपकी 5 बाई 5 की, ये भी 5 बाई 5 की, 5 बाई 5 की। अब यहाँ जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स है, और ये डिटरमिनेंट पूछा है, तो इसका मतलब सी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, वैसे भी सी स्क्वायर ही मैट्रिक्स होगी, अभी मैं आपको दिखा रहे कैसे, क्योंकि ये कितने एलिमेंट है, यहाँ कितने एलिमेंट है, यहाँ पर है ये 5 5 है, ये 5, और ये भी कितने हैं 5, तो 5 और 5 10, इसका मतलब है पूरे टोटल कितनी रो है, यहाँ पर कॉलम कितने हो गए, 10 कॉलम है, आप देख लो आराम से, देखो 1 4 2 3 4 5 कॉलम ये हो गए, ऐसे यहाँ पर होगा सिमिलरली 1 2 3 4 5 कॉलम ये हो गए, 5 बाई 5 की है ना ये, तो 5 कॉलम ये, 5 कॉलम ये, 10 कॉलम हो गए, और रो भी देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 रो हो गई।
रो हो गई, 10 कॉलम, 10 रो, इसका मतलब यहां पर भी पूरे 10 बनाना पड़ेगा आपको। ये कैरी में कॉमन को कितने की हो जाएगी, 10 बाई 10 की मैट्रिक्स हो जाएगी। और इनको जरा सा बना लो, क्योंकि यहाँ 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, खत्म। तो ये हो गया आपका सी मैट्रिक्स। तो ये होती है ब्लॉक मैट्रिक्स, तरह बनती है। मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स नहीं बनाते हैं भाई, ठीक है, ऐसे तो भले, लेकिन मैट्रिक्स जब बनाते तो मैट्रिक्स यहाँ नहीं बनाएंगे। अब मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे, एलिमेंट लिख देंगे और ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग थी मैट्रिक्स, तो ऐसे करके ऐसे खींच दिया हमने, ब्लॉक मैट्रिक्स हो गई। ये पूरी कहलाएगी ब्लॉक मैट्रिक्स, और ये अंदर ये पूरी एक ही मैट्रिक्स है पूरी सी, लेकिन ये ब्लॉक अलग अलग, ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स अलग अलग आई थी, इसलिए ब्लॉक बनाने के लिए बता दिया हमने कि ये अलग अलग मैट्रिक्स है, लेकिन ये सी जो है वो पूरी एक मैट्रिक्स मानी जाएगी। ब्लॉक बना के डिटरमिनेंट निकालना बड़ा इजी होता है, मैं एक वीडियो भेजेंगे उसमें आपको दिखेगा कि ब्लॉक बना के डिटरमिनेंट निकालने का, बहुत बड़ी बड़ी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बहुत आसानी से, अगर कोई आपको कहे कि यू हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ अ 5x5 मैट्रिक्स, देन इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विच इज वेरी लार्ज, तो देन वी कैन अप्लाई द शॉर्टकट, ठीक है, विच वी विल बी डिस्कसिंग इन द वीडियो, ठीक है। तो ये बड़ा यूजफुल मेथड होता है, अभी मैं आगे जब बताएंगे आपको, वीडियो भेजेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट यार, जरा खिसक गया थोड़ा सा ये। चलिए और तीसरा क्वेश्चन आते हैं, फिर अब पहला भी आ जाएंगे उसके बाद, कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस ऐसे ही बस लगा, बाद में बता देंगे। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में यार दिक्कत ये है ना, बताने को बता दे लेकिन एक प्रॉब्लम है तीसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन की हमको अलजेब्रा दिक्कत करेगी, अब अलजेब्रा आपने पढ़ी नहीं अभी, बड़ी प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन में z बाई पी जेड, ये z बाई पी जेड तीसरे क्वेश्चन में जो है ना, ये प्रॉब्लम करेगा आपको z बाई पी जेड। हालांकि z बाई पी जेड जो होता है वो आपका कौन, ये जो एलिमेंट ये होता है, ये एलिमेंट जो होता है वो जेड पी होता है, इसके वो होता है बराबर होता है, आइसोमॉर्फिक कह सकते हो आप, आइसोमॉर्फिक कहोगे, ये होता है z बाई पी जेड का मतलब p यहाँ पर प्राइम नंबर है, ये आइसोमॉर्फिक होता है zp की, ये जायरिड फार्मूला होता है अलजेब्रा में, जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे आप बताएंगे। zp तो आप जानते हो, zp क्या होता है, zp होता है 0 1 2 3 4 5, कहाँ तक, एक कम p माइनस वन तक, और मॉडुलो p आप सब भूल चुके हो भाई, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको हम नहीं पढ़ा रहे, बहुत लोग ने को याद है, कुछ लोग को याद हो सकता है, शायद लगभग किसी को नहीं याद हो, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं एमएससी उनको तो दिक्कत नहीं है, जो लोग एमएससी नहीं पढ़े हुए उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दे रहे हैं, जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएगी, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी समझाने में, बहुत दिक्कत होगी हमको। हम पहला बता दे रहे हैं, परेशान ना हो भाई, ये जब अलजेब्रा पढ़ोगे तो आप बाद में कर तब करना भाई, क्योंकि जो एमएससी कर रहे हैं अभी, अभी हम अलजेब्रा नहीं पढ़ाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उनको, इस बैच में वो भी हैं जो एमएससी कर रहे हैं, वो भी लोग हैं जिनका एमएससी हो गया, उनको सब याद आ जाएगा फौरन, थोड़ा याद दिलाएंगे हम, अलजेब्रा पढ़ चुके हैं वो, अच्छे से पढ़ाई थी पूरी अलजेब्रा लास्ट ईयर हमने। अब आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का, ये भी दिसंबर 2012 में आया था। अब देखो ध्यान से कितना क्वेश्चन लगा है, 12 में ही दो क्वेश्चन लगाया उन्होंने, तो अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा, इसी चैप्टर से खाली दो क्वेश्चन आ गया। मान के चलो लीनियर अलजेब्रा का सेक्शन पार्ट बी में, पार्ट सी में 4 से 5 क्वेश्चन तक जाते हैं, 5 क्वेश्चन तक जाएंगे लीनियर अलजेब्रा के, और रियल एनालिसिस के अरे पूछो नहीं भाई, पूरे सबसे ज्यादा आपको रियली तो मिलेगी, सबसे ज्यादा रियल और लीनियर अलजेब्रा तो भरी होती है नेट के पेपर में, रियल और लीनियर अलजेब्रा भरी होती है नेट के पेपर में, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। आगे आते हैं हम लोग एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा समझना ज्यादा है, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है। कह रहा है लेट ए एक मैट्रिक्स है,
मैट्रिक्स है जो ए आई जे बोल दिया उन्होंने, और ये मैट्रिक्स एन क्रॉस एन है, मतलब एन रोज है एन कॉलम है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है इस बार। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मतलब होगा इसके अंदर के एलिमेंट रियल इमेजिनरी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जब रियल मैट्रिक्स बोलते हैं या मैट्रिक्स ऑन आर बोल दे, आर मतलब रियल नंबर, समझ जाना इसके अंदर के एलिमेंट सिर्फ रियल है। जब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोल दे तो इसका मतलब इसके अंदर के एलिमेंट रियल भी हो सकते हैं इमेजिनरी भी हो सकते हैं। फिर आगे कह रहा है लेट ए, और ये सिंबल हम उन्होंने स्टार बनाया यही बनाएंगे। ये क्या होता है भाई मालूम है, बताने की जरूरत है, ये क्या होता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है ना, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होता है ऑफ ए। उन्होंने स्टार बना दिया, ऐसे बना दिया, अब ऐसे बना लो अपनी मर्जी है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरीली ट्रू। चलो कह रहा है हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लिख दे रहे हैं हम विच आर नेसेसरीली ट्रू। नेसेसरीली ट्रू का मतलब सिर्फ एक तरह से ट्रू होता है, एक होता है ना नेसेसरी एंड सफिशियंट। नेसेसरी एंड सफिशियंट कहता है तो इसका मतलब ये ट्रू तो ये ट्रू, ये ट्रू तो ये ट्रू। अब नेसेसरीली ट्रू का मतलब है ये ट्रू तो ये ट्रू होगा, ठीक है, दूसरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है ट्रू होने की। अच्छा और बात करते हैं, तो ऑप्शन पहला क्या कह रहा है, इफ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इफ ए इज इनवर्टिबल, अगर ए आपका इनवर्टिबल है तो देन ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए जो है वो जीरो नहीं है। मतलब अगर ए इन्वर्टिबल लेते हैं हम लोग तो जो ट्रेस है वो जीरो नहीं है, ये नेसेसरी कंडीशन है। बात समझ रहे हो ना, नेसेसरी का मतलब हो गया नेसेसरीली ट्रू हो सकता है, हो सकता है कंफर्म नहीं है, मतलब अगर ए ट्रू है तो ये ट्रू होगा, और इसका उल्टे वाली बात जरूरी नहीं है। अच्छा भाई ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा या नहीं होगा मैं नहीं पता है, दैट इज क्या बोल रहे हैं भाई। अब इसमें क्या लिखे दैट इज करके हम नहीं लिख रहे हैं, खुद ही सीधी सी बात है कि ए अगर ट्रू है तो आपको क्या है कि इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट सॉरी इसका जो ट्रेस होगा वो जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, वही दैट इज करके उन्होंने लिखा, हम क्यों लिखे जबरदस्ती। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अगर ये ट्रेस ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए अगर ये जीरो नहीं है तो देन ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज सॉरी क्या लिख दे रहे यार, अगर ये जीरो नहीं है तो देन ए इज इनवर्टिबल, ऑप्शन ये है भाई, अगर ये जीरो नहीं है तो ए इनवर्टिबल होगा। वही द थर्ड ऑप्शन इज इफ अगर ट्रेस जो है ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए का ट्रेस जो है उसका मॉडुलस लेस देन एन स्क्वायर है अगर, तो देन ठीक है। थोड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम बहुत आराम से समझा रहे, पूरी कोशिश है कि अब अच्छे से आपको समझ में आए, जहां प्रीवियस ईयर खत्म होंगे फिर कोर्स में स्पीड आ जाएगी। फॉर सम आई कॉमा जी, तो ट्रेस का जो मॉड है इसका जो मॉड है वो एन स्क्वायर से लेस होगा। एन स्क्वायर एन क्या है पता है ना आपको, एन का मतलब ये है, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है ये इसका ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर। आगे बढ़ते हम लोग, द फोर्थ ऑप्शन इज चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इफ अगर ये ट्रेस जो है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए का ट्रेस अगर जीरो है तो तब ए जो है वो जीरो मैट्रिक्स होगी, देन ए इज जीरो मैट्रिक्स, तब ए आपकी जीरो मैट्रिक्स होगी, ये कहना है। तो चलो भाई जरा सा करना शुरू करते हैं हम लोग, ये 4.75 मार्क्स का आता है भाई नेट में, हमें ये नीचे वाला क्वेश्चन पूरा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन लिखने बाद तो जगह ही नहीं बची कि हम कुछ करें आगे। चलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, और ऊपर तो कुछ लिखा ही नहीं स्पेशल, हम पूरा इरेज कर दे रहे हैं। चलिए अब मेन सारे क्वेश्चन में क्या निकला, क्या क्या लिखा हुआ है भाई, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए का ट्रेस, जरा सा पीछे चलो, बिना पीछे जाए कोई बता सकता है जल्दी से, एक मिनट के अंदर कोई ये प्रॉपर्टी बता सकता है कोई? हाँ हाँ बोलिए बोलिए,
बिल्कुल सही। ये क्या होता है? ये होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोज तैयार करना पीछे से, लिनियर अलजेब्रा खत्म होने के बाद आपको इतनी अच्छी तैयार हो कि आप किसी को पढ़ा सकें, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ना होकर के ए रियल मैट्रिक्स होती तो यह मॉडुलस वाली बात खत्म हो जाती है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, लिख दे रहे मॉडुलस ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, या सीधे सीधे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बताया था हमने ए वन वन के मॉडुलस का स्क्वायर, ए टू टू के मॉडुलस का स्क्वायर, अरे जितने भी होंगे सब के सब, ए थ्री थ्री, ए वन वन, ए वन टू भी छूट गया हमसे, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ठीक है ना, इसी तरह चलते रहोगे भाई, ए वन एन, ठीक है ना, ए वन एन, फिर आगे ए टू वन, सारे सारे जितने सारे भाई, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, इस तरह चलते रहोगे तो ए टू एन भाई सारे एलिमेंट, ये पहली रो के सारे हो गए, उनके मॉडुलस के स्क्वायर कसम, दूसरी रो के, तीसरी रो के, ऐसे चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ऐसे एन वी रो के, ए एन वन, ए एन टू, एन एन, तो ये आपकी पूरी बात हो गई, ठीक है। अब क्या है भाई आपका, अब आपको निकालना है ये, ठीक है। अब दूसरी बात आ ये है, चलो ये तो बात हो गई है, तो ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये ट्रेस हो गया ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए का, इस क्वेश्चन नंबर इसको वन मान लो भी काम आएगा, ठीक है, सारे एंट्रीज है याद रखना। अगर आपको कह रहा है ए इन्वर्टिबल है, ठीक है कि नहीं भाई, ए इन्वर्टिबल है, सिंस ए इज इन्वर्टिबल, पहला ऑप्शन देख रहे, पहला ऑप्शन देखो क्या है, ए इन्वर्टिबल है, तो ट्रेस जो होता है, ये ट्रेस जो है, ये वाला ट्रेस जो लिखा है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए का, वो जीरो नहीं होता है अगर इन्वर्टिबल होता है, तो हम ऑप्शन वन, हम ऐसे लिख दे रहे आपको याद रहे कौन सा ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ऑप्शन वन चेक कर रहे हैं, ठीक है, चेक कर रहे हैं हम, तो ए आपको दे रहा है कि इन्वर्टिबल है, ए इज इन्वर्टिबल, अगर ए इन्वर्टिबल है, तो अगर ए इन्वर्टिबल है तो क्या होता है भाई, आपको मालूम ही है डिटर्मिनेंट जो होती है वो ए की नॉन जीरो होती है कि नहीं, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होती है, जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गई तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो हो जाती है, डिटर्मिनेंट क्या कर दिया हम लोगों ने, नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो का ये मतलब हो गया है कि डायगोनल में क्या होना चाहिए, एक मिनट एक सेकंड टाइम देना जरा, हाँ चलो बहुत सिंपल सी बात, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अच्छा एक बार बताना, हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे तो इससे दिक्कत करेगा आपको, एक मैट्रिक्स ये ले ली हमने और एक मैट्रिक्स हमने ये ले ली, एक मैट्रिक्स हमने ये ले ली, ये डिटर्मिनेंट जीरो आएगी, यहां पर एक ही डिटर्मिनेंट भी जीरो आएगी, यहां पर एक ही डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगी, इसका ये मतलब क्या हो गया बता, इसका मतलब हो गया अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो उसके सारे एलिमेंट तो जीरो नहीं हो सकते हैं भाई, क्योंकि तो सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो इसका क्या मतलब हो गया भाई, इसका मतलब तो 100% डिटर्मिनेंट जीरो आएगी, ठीक है, और अगर मैट्रिक्स ए का सिर्फ एक एलिमेंट जीरो नहीं है तब भी आपका क्या आएगा भाई, तब भी आपकी डिटर्मिनेंट जीरो ही आ रही है, ठीक है, तो इसका ही मतलब हो गया, मैं सीधी सी बात में बताना है, खाली में ये बताना है डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो इसका मतलब हो गया मैट्रिक्स ए के कुछ एलिमेंट जो होंगे नॉन जीरो होंगे, फॉर सम आई कॉमा जे, फॉर ऑल नहीं लिखा है, जरूरी थोड़ी सारे एलिमेंट जीरो ना नॉन जीरो, देखो इसमें एक एलिमेंट जीरो है तब भी डिटर्मिनेंट जीरो तो नहीं आ रही, डिटर्मिनेंट इसकी दो आएगी यहां, तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो है इसका मतलब हो गया कि कुछ एलिमेंट जरूर ऐसे होंगे जो कि जीरो नहीं होंगे मैट्रिक्स ए के, डाउट तो फौरन बताना, बीच में रोक के पूछना, फौरन बताना,
पक्का। अब जरा ये बता दो भाई, आपको पता है ये क्या लिखा है ट्रेस, ये क्या लिखा भाई, ये जीरो नहीं है। अब आप खुद ही सोच लो, कॉस सिंपल सी बात आ रही है, हमने कह दिया ये जीरो नहीं होगा ट्रेस, 100% यहीं से बोल दिया। चलो कोई समझाओ कैसे नहीं होगा, ये जीरो नहीं है तो ये जीरो नहीं होगा, चलो समझाओ कैसे नहीं होगा, कोई समझा दो भाई जरा। अरे कुछ नहीं समझ में आया, पहले ये लाइन समझ में आई भाई, जब ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब है ए वन वन या ए वन टू या ए वन थ्री या ए टू थ्री, कोई ना कोई तो जरूर होगा जो जीरो नहीं होगा, है कि नहीं बताओ भाई, कोई ना कोई तो जरूर होगा। ए वन टू जीरो ना होगा, हो सकता हो ए वन थ्री जीरो नहीं होगा, हो सकता है टू थ्री जीरो ना होगा, और आपको पता है। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, आपको पता है ट्रेस जो इसका लिखा है इसमें से एक भी अगर नॉन जीरो हो गया, मान लो सब जीरो हो जाए, सब के सब जीरो हो जाए, फिर खाली ये वाला क्या हो जाए, ये वाला नॉन जीरो आ गया, ये ए वन वन जीरो नहीं है, तब भी तो जीरो नहीं आएगा, या ये दोनों जीरो नहीं है बाकी जीरो है, जब बाकी सब जीरो हो गए, मान लो ये पांच है ये चार है, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 ऐड करके ये ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो तभी होता है खाली, ये ट्रेस ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए तभी जीरो होता है जब सारे एलिमेंट जीरो हो, याद रखना ये बात। अगर ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, अगर मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट अगर जीरो आ रहे हैं, मैट्रिक्स भाई ये जीरो कब होगा बताओ, जब ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये सब जीरो, सारी रो पहली दूसरी रो भी सारे जीरो, तीसरी रो के भी सारे एलिमेंट जीरो, एनवी रो के भी सारे एलिमेंट जीरो, अगर सारे एलिमेंट मैट्रिक्स ए के जीरो हैं, तब ये सब जीरो, ये जीरो, जीरो 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 प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस, तब जाके ये जीरो होगा। लेकिन अगर मैट्रिक्स ए का एक भी एलिमेंट ऐसा है जो जीरो नहीं है, तब ये ट्रेस जीरो नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या ना, कोई दिक्कत बताना भाई, इसका मतलब ये हो गया क्योंकि ये जीरो नहीं है, अब कोई ना कोई एलिमेंट तो ऐसा होगा ही होगा जो जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके सारे एलिमेंट ये जीरो हो जाते हैं ना भाई, नॉट जीरो ने बताया ना क्यों, क्योंकि अगर ए वन वन, ए वन टू सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, तब तो डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगी, और डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगी तब तो ए कहलाएगी नॉन इन्वर्टिबल। आपने पढ़ा होगा, बताया हमने इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल जब होती है मैट्रिक्स जब उसकी डिटरमिनेंट जीरो नहीं होती है, इन्वर्टिबल होने का मतलब है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना, मतलब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए आई जे जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम वन से ये जो है आपका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए जीरो नहीं होगा। कोई डाउट हो बताइए, कोशिश करिए समझाने की हमने पूरी तरह से, अगर आपको डाउट हो बताइए, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग जरा, तो ऑप्शन वन हमने चेक कर लिया है, तो ऑप्शन वन ट्रू है। अच्छा भाई, ऑप्शन वन आपका ट्रू हो गया है, अब हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन टू। ऑप्शन टू कह रहा है कि अगर ट्रेस जीरो नहीं है तो ए इन्वर्टिबल होता है, चलो ये भी करते हैं, ऑप्शन टू चेक करने जा रहे हैं हम लोग उल्टा, अगर ट्रेस जीरो नहीं है तो ए इन्वर्टिबल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है भी आपको दिखा रहे हैं, वो जरूरी नहीं है, हम दिखाएंगे भी आपको। ऑप्शन कह रहा है अगर ट्रेस, ये ट्रेस जीरो नहीं है तो फिर ए इन्वर्टिबल होता है, इन्वर्टिबल का मतलब डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगी, इन्वर्टिबल का मतलब वही भाई, इन्वर्टिबल का मतलब डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगी ना। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है ट्रेस जीरो नहीं है तो डिटरमिनेंट इन्वर्टिबल होगी, ऐसा कैसे कह सकते हो आप, हाँ ट्रेस जीरो नहीं डिटरमिनेंट इन्वर्टिबल कैसे हो जाएगी, अरे कॉमन सेंस की बात है। अब ये बता दो, ये लिया हुआ, ये लिखा है आपने अगर ट्रेस जीरो नहीं आए, मान लो ये सभी जीरो हो जाए, सपोज करो ये सभी जीरो हो जाए, सिर्फ ए वन वन जीरो नहीं है, ठीक है, सिर्फ ए वन वन जीरो नहीं बाकी सभी जीरो हैं, ए हमने कह दिया ए वन वन जीरो नहीं है बाकी सभी जीरो हैं, तो ट्रेस तो ये जीरो नहीं हुआ, तो मैट्रिक्स ऐसे बन जाएगी ए वन वन, ये जीरो नहीं है,
बाकी जितने हैं सभी जीरो हैं, बाकी सभी जीरो। हम इतनी बड़ी ना लेकर के यार छोटी सी 2x2 की दिखा दे रहे हैं, बाकी सभी जीरो हैं और A11 0 नहीं है। तो ट्रेस तो इसका क्या दिख रहा है साफ साफ, ट्रेस क्या दिख रहा है बताओ जरा सा। ट्रेस दिख रहा है यहां पर A11 क्या है, A11 0 नहीं है, बाकी सभी जीरो हैं, बाकी सभी जीरो हैं, इलेट करके लिख देना। अब इसका ट्रेस, ट्रेस कितना है, ट्रेस क्या है, ये ट्रेस तो आपका इसका सॉरी ए का ट्रेस तो आपका A11 आएगा इनका एड, लेकिन डिटर्मिनेंट कितनी आ रही है, ये तो नॉन जीरो आ गया, लेकिन डिटर्मिनेंट क्या है, इसका इसमें मल्टीवैल्यू, इसका इसमें मल्टीवैल्यू, जीरो आ गई डिटर्मिनेंट, यानी ए नॉन इन्वर्टिबल हो गया, ए इज नॉट इन्वर्टिबल, ए इन्वर्टिबल नहीं है। तो क्या समझ में आया भाई, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ट्रेस जीरो नहीं है तो डिटर्मिनेंट जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ अगर मान लो सपोज करो ऐसा हो जाता 2x2 में, मान लो ये भी जीरो ना होता तो फिर डिटर्मिनेंट क्या आ जाती, तो भाई ट्रेस ही जीरो, ट्रेस भी जीरो नहीं होता, डिटर्मिनेंट भी जीरो नहीं आती, तब तो ये इन्वर्टिबल हो जाता। तो सर्टेन केस नहीं है ना, हमें तो कह रहा है हमें तो ऑलवेज के लिए ट्रू करना होता हमेशा। तो ये ट्रेस अगर जीरो नहीं है तो डिटर्मिनेंट जीरो हो भी सकती है नहीं भी। अगर हम लोग ये मैट्रिक्स ये ले लें, अगर मैट्रिक्स हम लोग ये ले लें ऐसे ले लें हम लोग यहां पर, जहां पर ये दोनों नॉन जीरो है, ठीक है ये दोनों नॉन जीरो है, ये दोनों ही नॉन जीरो हैं, तो इस केस में डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगी, A11 * A22 जीरो नहीं आई क्योंकि नॉन जीरो हमने कह दिया भाई। अगर ये दोनों नॉन जीरो हैं तो ट्रेस, ट्रेस भी नॉन जीरो, ट्रेस ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का ट्रेस क्या आ जाएगा, अरे थोड़ा सा ट्रेस हमने लिखना गलत हो गया, हमने ए का नहीं कह रहा था भाई, ए के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का ट्रेस था ना, ए के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का ट्रेस क्या होता है भाई, एलिमेंट्स के मॉडुलस के स्क्वायर का सम, तो इसका मॉडुलस का स्क्वायर कौन हो, A11, और बाकी सब तो जीरो ही है, छोड़ो बाकी क्या फायदा, 0 + 0 + 0 ही आएगा। और अगर ये दोनों जीरो नहीं है तो अब बताओ क्या होएगा, ट्रेस जो हो जाएगा थोड़ा सा छोटा छोटा लिख दे रहे आप देख लेना, इसका स्क्वायर और इसका जीरो का स्क्वायर जीरो, इसका मॉडुलस का स्क्वायर जीरो, इसका मॉडुलस का स्क्वायर A22। अब जरा बताओ क्या हुआ, तो ट्रेस तो आपका जीरो नहीं आ रहा है जबकि डिटर्मिनेंट भी जीरो नहीं आ रही है। तो ट्रेस अगर जीरो नहीं है इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए का तो डिटरमिनेंट जीरो हो भी सकती है नहीं भी, तो ये बात एकदम गलत है, ये ट्रेस जीरो नहीं होगा डिटरमिनेंट जीरो ही होगी, ये कहना गलत है। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। चलो भाई आगे बताते हैं भाई, अगर कोई डाउट हो बताइएगा। अब तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं हम लोग, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। तो ऑप्शन वन करेक्ट था, बस टू ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि टू ऑप्शन कभी करेक्ट हो भी सकता है। क्या हुआ क्या हुआ, अरे फोर्थ तो 100% करेक्ट हो जाएगा, तीसरा वाला और चेक कर लो बस खाली, फोर्थ तो अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। हाँ वो तो सीधे सीधे ऊपर क्वेश्चन वन से ही करेक्ट हो रहा है। अगला वाला कह रहा है इफ ट्रांसपोज सॉरी ट्रेस, इसके ट्रेस का मॉडुलस जो है वो लेस देन एन स्क्वायर है तो तब इसके मॉडुलस जो होगा वो लेस देन वन होगा, फॉर ऑल नहीं है, फॉर सम आई कॉमा जे। ये ट्रेस का मॉडुलस एन स्क्वायर से कम है, एन क्या पता ना, एन जो है वो ए का ऑर्डर था, तो ए आई जे का मतलब एलिमेंट्स ऑफ ए, ए के एलिमेंट्स का मॉडुलस वन से कम होगा, फॉर सम आई कॉमा जे मतलब कुछ कुछ आई और जे के लिए ऐसा होगा, ठीक है जरूरी नहीं सबके लिए हो, जब फॉर सम होता है ना तो उसका मतलब है सबके लिए भी ट्रू हो सकता है और कुछ के लिए भी ट्रू हो सकता है, यानी कुछ ए वन कुछ एलिमेंट्स ए आई जे कौन होते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए, कुछ एलिमेंट्स ऑफ ए के लिए भी ट्रू हो सकता है कंडीशन, और हो सकता है सबके लिए भी ट्रू हो, जब फॉर सम होता है तो किसी के लिए भी हो सकता है भाई, ठीक है जब फॉर ऑल होता है तो 100% सबके लिए। अब एक काम करते हैं, अब एक काम ये करते हैं हम लोग, हम लोग एक काम ये करने जा रहे, थोड़ा सा एक सेकेंड थोड़ा सा टाइम देना, थोड़ा सा जरा सा भाई, दरअसल बात ये है कि हम जरा सा उल्टा कर ले, हम लोग जब हम लोग उल्टा इस तरफ से लेके चल के ये प्रूफ कर ले रहे हैं हम लोग, लेकिन हम आपको कह रहे उल्टी कंडीशन कहां प्रूफ होनी है, ये तो एक तरफ से लिखा है, इसे नॉन लीफ तो लिखा नहीं। सुनो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट याद करिए, हमने बोला है कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है, अगर ये ट्रू है ये ट्रू लेके चलना है और ये ट्रू प्रूफ करना है आपको,
और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, ये फॉल्स लेके चलो, ठीक है, इसका उल्टा लेके चलो, मतलब ये फॉल्स लेके चलो मतलब इसका उल्टा लेके चलो और इसका उल्टा प्रूफ कर दो, या कह दो ये फॉल्स लेके चलो और ये फॉल्स प्रूफ कर दो, तब भी बात वही होती है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। हमने आपको बताया हुआ है लोगों को, मैं एमएससी वाले को, सभी को पता है, बाकी अगर कोई है बाकी लोग देख लो जरा सा। तो अगर आपका इफ, अगर आपका इफ ए इंप्लाइज का मतलब बी, मतलब ए ऐसे इफ हटा दो, इफ करके चलो लिख दो, ए इंप्लाइज बी है, अगर ए इंप्लाइज बी है तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। हर चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं मैं आपको, आपको हर चीज मालूम हो, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा, आई कॉमा जे है यार, क्या लिख दिया, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, मतलब ए ट्रू है तो बी ट्रू है, अब इसका अगर ए ट्रू है तो बी ट्रू है, और इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा कि अगर बी नॉट ट्रू, ठीक है, बी नॉट ट्रू, बी इज नॉट ट्रू तो देन ए इज नॉट ट्रू। थोड़ा सा लैंग्वेज ठीक कर लेना, ऊपर जगह नहीं, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी, इसका मतलब है कि इफ ए इज ट्रू देन बी इज ट्रू, आपको दिया हुआ है ये चीज कि इफ ए इज ट्रू देन बी इज ट्रू, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाता है, इफ बी इज नॉट ट्रू देन ए इज नॉट ट्रू, दोनों बात एक ही होती है, बात दोनों एक ही होती है, बात दोनों एक ही होती है, याद रखना हमेशा। तो यानी कभी भी अगर आप ये ना प्रूफ कर पा रहे हो कि इफ ए इज ट्रू लेकर के बी को ट्रू नहीं प्रूफ कर पा रहे हो, तो आप इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव प्रूफ कर लो। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब बी को ट्रू नहीं लेकर के, यानी बी को फॉल्स मान के ए को फॉल्स प्रूफ कर दो, तब भी बात वही पड़ेगी, बात वही कही जाएगी, क्योंकि उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये। तो अब जरा सुन लो जरा भाई, चलो अब जरा सुन लेना जरा सा, कभी तब भी कॉन्ट्रा पॉजिटिव में डाउट हो तो आप कहीं भी यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लेना, तो यहाँ पर एक लिमिटेड ही बता सकते हैं, शायद वहां पर आपको और सारी चीजें मिल जाए, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है इन हिंदी डाल देना, हिंदी में समझने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे लोग। तो बात करते हैं हम लोग, तो हमने शॉर्ट में ही बता दिया भाई जो हमें जरूरत है, तो हमें ये लेके चल के ये प्रूफ करना है, हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि ये लेके चल के इसके एलिमेंट को कैसे निकाल पाएंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे यार एलिमेंट, ये एलिमेंट है, हम एलिमेंट की कंडीशन लेके ट्रेस निकाल सकते हैं हम लोग। अब ट्रेस दिया हो आप एलिमेंट कैसे निकाल लोगे, उल्टा हो गया भाई, दिक्कत हो जाएगी। हम क्या कर ले रहे हैं हम लोग, सपोज इसका उल्टा हम मान ले रहे हैं, ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, यानी लेस देन नहीं है, जब लेस देन नहीं तो फिर बताओ जरा क्या हो जाएगा, जब लेस देन नहीं है तो फिर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा भाई, सही तो ना भाई, कुछ एलिमेंट के लिए आई कॉमा जे क्या है भाई, बात समझो जरा सा। अच्छा ये भी अब यहां पर भी चेंजिंग होने जा रही है, इसका मतलब क्या है भाई, लेस देन नहीं है, लेस देन नहीं किससे, फॉर सम आई कॉमा जे, कुछ आई और जे के लिए लेस देन नहीं है भाई, लेस देन था किसके लिए था, अच्छा बताओ ये लेस देन है कुछ आई और जे का, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या होएगा, मतलब इसको फॉल्स करो तो क्या बनेगा, इसको फॉल्स करोगे तो ये थोड़ा सा नीचे फॉर सम वाली बात गलत लिखी है, इसको फॉल्स करोगे तो क्या बनेगा, कोई इसको फॉल्स बता के बनाए जरा, कोई इसको फॉल्स बनाए जरा, कोई इसको फॉल्स बनाइए जरा, कि अगर मॉडुलस ऑफ ए आई जे जो है, अब मॉडुलस को इधर छोड़ दियो, बार बार बोलना पड़ेगा मॉडुलस, आप खाली ए आई जे बोलो, जो ए आई सारे एलिमेंट, सॉरी सारे नहीं, कुछ एलिमेंट वन से कम है, फॉर सम का मतलब कुछ एलिमेंट, कुछ एलिमेंट वन से कम है, मॉडुलस सोचर के बोलने में छोड़ दो, क्योंकि भाई बार बार लंबी लंबी बात बोलनी पड़ेगी, कुछ एलिमेंट ए से कम है, इसका क्या, इसका उल्टा क्या हुआ, इसका उल्टा क्या हुआ, इसका उल्टा हो गया भाई, कुछ एलिमेंट वन से कम है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोई बताइए, इसका अपोजिट बोल दो कोई, कुछ एलिमेंट वन से, पक्का बिल्कुल सही बोला है, और लोग बताइए बात समझ जाए कि हम और बताओ कि और लोग सोचिए भाई, थोड़ा सोच लीजिए, कुछ एलिमेंट वन से कम है, इसका उल्टा क्या हुआ, इसका उल्टा हो गया भाई कि सारे एलिमेंट जो हैं वो वन से कम नहीं है, यही तो हुआ, कुछ एलिमेंट वन से कम है, इसका उल्टा हो जाएगा,
सारे एलिमेंट वन से कम नहीं है, सारे एलिमेंट वन से कम नहीं है, तो मतलब सारे एलिमेंट जो है क्या है वो, सारे एलिमेंट जो है वन या वन से ज्यादा है। आराम से सोचना करना, समझ आए वो कुछ और उल्टी वाली बात तो फिर सोचना, दिक्कत तो हमसे फिर पूछना, थोड़ा सा अपने मन से सोचना। और चाहो तो वो अब एग्जाम्पल मान के देख लेना, आप ए मैट्रिक्स का एग्जाम्पल मान के देख, अगर अभी मैं देख लेते हैं फिर बता देते, लेकिन इसी टाइम 3 ही 4 क्वेश्चन वाला पूरा टाइम चला जाएगा, नहीं तो फिर हम और एक्सप्लेन करना कुछ नहीं भाई, हम पूरा 1 घंटे में 2-3 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन ये बात फिर पूरा टाइम चला जाएगा। एमसीक्यू में वैसे भी टाइम जाता है समझाने में, एग्जाम में करने में इतना नहीं जाता है भाई, एग्जाम में करना 5 मिनट का ये क्वेश्चन है, मुश्किल से 5-7 मिनट का। चलो तो कुछ एलिमेंट वन से कम है तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब इसको फॉल्स कर दो, जब इसको फॉल्स कर दोगे तो कुछ एलिमेंट वन से कम है और इसको फॉल्स कर दोगे तो हो जाएगा सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, वन से कम नहीं है, इसका मतलब सारे एलिमेंट वन से कम नहीं है, सारे एलिमेंट वन से कम नहीं है, ये कह लो या कह लो फॉर ऑल आई कॉमा जे ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। अच्छा सारे एलिमेंट कॉमन सी बात है भाई, ये सारे वन या वन से ज्यादा है, यानी ये मॉडल बोलो ए वन वन, ये भी ज्यादा है वन से, ये भी ज्यादा है वन से, ये भी ज्यादा है वन से, ये भी ज्यादा है वन से। भाई सर देख लो जरा, जब ये वन या वन से ज्यादा तो इसका स्क्वायर भी तो वन या वन से ज्यादा हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात भाई, ये भी वन या वन से ज्यादा, और भैया जब ये भी वन या वन, अब बताओ ए वन वन का स्क्वायर, ये भी वन ज्यादा, ये भी वन से ज्यादा, ये भी वन से ज्यादा, ये सब वन से ज्यादा है, तो इनका सम कभी वन से कम आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इसका सम जो भी आएगा, सॉरी वन से ज्यादा क्या बोल रहे हैं यार, अगर ये सभी वन या वन से ज्यादा है, ये भी वन से ज्यादा है, ये भी वन है या वन से ज्यादा है, ये भी वन है या वन से ज्यादा है, अब बताओ जरा सा, सबको थोड़ी देर के लिए वन ही मान लो, सबको थोड़ी देर के लिए वन मान लो, थोड़ी देर के लिए मन में सोच लो, अब बताओ क्या आएगा। अच्छा बताओ, ये वन, ये भी 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 वन, अब बताओ चाहे इसका सम बताओ कोई क्या आएगा, वन प्लस वन प्लस वन कितनी बार है, एन बार, एन, फिर वन प्लस वन प्लस वन कितनी बार है, फिर एन, फिर एन, फिर एन, हर रो का सम एन आ रहा है, तो एन प्लस एन, और एक रो कितनी है, एन, तो एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है ये ट्रेस क्या आ जाएगा इस केस में, थोड़ा सा मैं रेस करके लिखने की कोशिश कर रहे हैं भाई, आप देखना थोड़ा सा, इससे नहीं समझ आ रहा, बहुत से लोग को ओरली बता रहा हूँ नहीं समझ आ रहा, थोड़ा लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इसमें आ जाओ, कि अब इसी में हम तोड़ दे रहे हैं। एक बार हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया कि ये आपका क्या है, एक बार वन है, अगर ये वन है किसके लिए, फॉर ऑल के लिए, तो अगर ये वन है सारे एलिमेंट के लिए, आप बताओ जरा क्या आएगा, ट्रेस क्या आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा वन, फॉर ऑल का मतलब ए वन वन का स्क्वायर, ए वन टू सभी का मॉडल का स्क्वायर वन है, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ठीक है ना भाई। देखो ये पहली रो हो गई, कितनी बार है, एन टाइम्स है सभी, ये पहली रो हो गई, फिर वन प्लस वन प्लस वन दूसरी रो, फिर वन प्लस वन प्लस वन तीसरी रो, फिर वन प्लस वन प्लस वन चौथी रो, ऐसे करते करते वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन एन वी रो, इससे वन प्लस वन प्लस वन एन आया, इससे भी वन प्लस वन प्लस वन एन आया, भाई ये पहली रो का है, दूसरी रो का है, तीसरी रो का है, ये चौथी रो एन वी रो, ऐसे चलते रहो चलते रहो चलते रहो, इससे भी एन आया, और ये पहली रो का सम, ये दूसरी रो का सम, फिर आगे तीसरी रो का सम, चौथी रो का सम, ये एन वी रो का सम, टोटल रो कितनी है, एन, टोटल एन है ना, ये टोटल एन रो है, इसका मतलब है ये क्या हो जाएगी, कितने हैं ये एन प्लस एन कितने हैं, ये आपके एन टाइम्स हैं, तो एन प्लस एन को एन टाइम जोड़ोगे एन स्क्वायर आ जाएगा, नहीं हाँ सही तो है, एन इंटू एन आ जाएगा भाई, भाई एन और एन को 2 बार जोड़ोगे तो 2n होता है, एन और एन को 3 बार जोड़ो तो 3n होता है, और एन और एन को एन बार जोड़ो तो एन एन यानी एन स्क्वायर, तो इस केस में ट्रेस क्या आ गया आपका, एन स्क्वायर आ गया, बताओ सही बात बताई कि नहीं हमने, तो इस केस में ट्रेस आपका एन स्क्वायर के बराबर आ गया। अब हम यही केस में सबको वन से बड़ा ले लेते, अब बताओ जरा क्या आ जाएगा, बहुत कॉमन सेंस की बात है, अगर हम इसको वन से बड़ा ले लें, ये भी वन से बड़ा ले ले, अब क्या है, चलो जल्दी से हटाना जरा सा, हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है ऊपर वाला, अब हम सबको वन से बड़ा लेने जा रहे हैं, अरे हम ये इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, अब आपको इतना तो याद ही हो गया, लिखते लिखते बार बार बोलते बोलते कि ये क्या होता है, यहीं पर हम बता दे रहे, अगर अब आपका ये क्या हो जाए, अगर ये सारे एलिमेंट क्या हो जाए, वन से बड़े, हमने कहा वन या वन से बड़ा था तो पहले वन के बराबर का, अब वन से बड़ा कह दिया हमने, अगर ये सारे एलिमेंट वन से बड़े हो जाए, अब जरा बताना, अब जरा बताना क्या बनेगा, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए, अब हम ये कर तो सकते नहीं, वन से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, चलो टू ले ले, चलो टू ले ले, सबको सबको टू ले लो, जरा आसान हो जाएगा, सारे एलिमेंट वन से बड़े माने टू ले लिया,
ठीक है, जरूरी नहीं सब बराबर हो, अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है। सारे एलिमेंट वन से बड़े का मतलब हो सकता हो ए वन वन टू हो, ये थ्री हो, ए टू टू, ए टू थ्री फोर हो, ए फोर, ए थ्री थ्री फाइव हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम सबको टू टू ले ले रहे हैं, ठीक है। वन से बड़ा माने मान लिया सबको टू है, मान लिया कि सभी एलिमेंट क्या है, सभी एलिमेंट टू है, फॉर ऑल सभी एलिमेंट का पूरा स्क्वायर ही इकट्ठा टू ले लिया, ठीक है ना। नहीं तो फिर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी ना, क्योंकि हमें सिर्फ समझाना है, कैलकुलेशन बड़ी करने की कोई मतलब नहीं है। हमने मान लिया है सभी क्या है, ये सभी का स्क्वायर वन से बड़ा, यानी वन से बड़ा माने टू ले लिया। अब बताओ जरा क्या आएगा, टू प्लस टू प्लस टू, फिर आओगे अगली रो के लिए, ये किसका, ये कौन हो गया, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन एन वाला, फिर ये सब मॉडुलस का स्क्वायर है, पूरी याद रखना, बोल नहीं है बार बार, फिर ए टू वन के मॉडुलस का स्क्वायर, टू टू के मॉडुलस का स्क्वायर, टू थ्री के मॉडुलस का स्क्वायर, ये कितनी बार है भाई, ए वन एन, यानी एन टाइम्स है, ये भी कितनी टाइम्स है, ये भी एन टाइम्स है, ऐसे चलते रहो, पहली रो के लिए सारे एलिमेंट का सम, ये दूसरी रो के सारे एलिमेंट के मॉडुलस के स्क्वायर का सम, चलते रहो ऐसे आखिरी एन वी रो के लिए, ये एन टाइम्स है पूरा, याद रखना क्योंकि रो कितनी है, एन है। आप चाहो ऐसे ही से लिख लेना, अगर डाउट तो हम ऐसे ले लेते, जगह नहीं मेरे पास, ये पूरे सब एन टाइम्स है। अब बताओ कितना हो गया, ये हो गया टू एन, ये भी टू एन, आगे टू एन, और ये कौन है आपका, एन टाइम्स ना। अब टू एन टू एन टू एन को एन बार जोड़ो कितना आ जाएगा, जरा बताओ भाई, टू एन प्लस टू एन, टू टाइम्स टू एन, टू एन प्लस टू एन प्लस टू एन, तीन बार जोड़ोगे थ्री टाइम्स टू एन, टू एन प्लस टू एन, टू प्लस टू एन को एन टाइम्स जोड़ोगे एन टाइम्स, सही है ना भाई, ये एन टाइम्स टू एन, अब क्या हो जाएगा टू एन स्क्वायर, टू एन स्क्वायर पता ही, एन स्क्वायर से बड़ा तो होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में अगर ये बड़ा लोगे वन से, तो ये क्या आएगा आपका, एन स्क्वायर से बड़ा, और आपने ये बराबर लिया है वन के, तो ये क्या आएगा आपका, एन स्क्वायर के बराबर। इसका क्लियर क्लियर की क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये वन या वन से बड़ा होगा, तो जो ट्रेस आएगा आपका, वो जो आपका ट्रेस आएगा भैया, इसका ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए का जो ट्रेस आएगा, वो आपका एन स्क्वायर या एन स्क्वायर से बड़ा आएगा। तो हमने कहा ना, हम इसका उल्टा लेके चले और इसका उल्टा प्रूफ कर दिया, आपने कहा था, हमने कहा था इसका फॉल्स लेके चलो और इसका फॉल्स प्रूफ कर दो, तो ये कहलाता है, वो कहलाता है, ये कहलाएगा इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। और बात वही होती है, हमने पहले ही कहा है, बात वही होती है कि आप ये लेके चलो, ये प्रूफ कर दो, या इसको फॉल्स लेकर के चल के इसको फॉल्स प्रूफ कर दो, बात वही होती है। तो हमने इसको फॉल्स लेके चले, यानी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू लेके चले, इसका उल्टा, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया, ठीक है। ये इसका, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसका मॉडुलस भी ग्रेटर देन और इक्वल टू, सीधी सी बात है भाई। तो यहां पर ऑप्शन नंबर थ्री ट्रू है। चलो बहुत इजी सा था, लेकिन बस हमें सबको और लोग भी भाई, सब लोग हैं, कुछ लोग को तो बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर और भी लोग है भाई, थोड़ा कम सोचने वाले, थोड़ा ज्यादा सोचने वाले, थोड़ी कम मेहनत करने वाले, थोड़ी ज्यादा मेहनत करने वाले, यहाँ पर कोई कम अकल नहीं है, कोई किसी के पास दिमाग कम या ज्यादा नहीं है, बस ये है कि जो लोग कम मेहनत करते हैं तो थोड़ा उनका दिमाग कम चलने लगता है भाई, जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं उनका दिमाग ज्यादा चलने लगता है। आखिरी ऑप्शन तो 100% सही, ऐसे ही हो गया, आखिरी ऑप्शन तो ऐसे ही सही हो गया भाई। चौथा नंबर क्या है, ऑप्शन फोर क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर फोर है, क्वेश्चन नंबर नहीं, ऑप्शन फोर जो है आपसे कह रहा है कि इफ ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का ट्रेस जो है वो आपका जीरो है, तो तब कह रहा है ए इज जीरो मैट्रिक्स, ए जो है वो आपकी जीरो मैट्रिक्स से कह रहा है, अगर ये जीरो है तो ये जीरो मैट्रिक्स है, बड़ी कॉमन जो है तो 100% होगी, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया भाई, अगर आपका ये है, अगर ये आपका जीरो है, अगर ये आपका जीरो है, ये कौन होता है जरा बताओ भाई, हम सारे नहीं लिख पाएंगे भाई, ठीक है, ये होता है ना, ये सारे एलिमेंट इस तरह चलते रहो, आखिरी में कौन आता है, ए एन एन, है ना। अब बताओ कभी स्क्वायर का सम अगर जीरो होता है तो सारे एलिमेंट जीरो नहीं होते भाई, आपको पता है किसी भी चीज के स्क्वायर का सम जीरो, इसका मतलब वो सब जीरो है, इसका मतलब है आपका ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, इसी तरह जितने भी हैं सारे एलिमेंट भाई सभी जीरो हैं, इसका मतलब है। और जब ये सभी जीरो, ये जीरो, तो इसका मतलब ए वन वन जीरो, ए वन टू जीरो, इसी तरह चलते हो गए भाई, ए एन एन जीरो, और जब ये सब जीरो हो गए तो सारे हैं, अच्छा भाई याद रखना, या कह दो कि दैट इज, आप कह सकते हो कि ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई कॉमा जे, बात वही है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, सारे एलिमेंट जीरो है तो इसका मतलब है ए क्या है, जीरो मैट्रिक्स हो गई,
यानी ए इज जीरो मैट्रिक्स। चलो कोई डाउट हो तो बताइए हमको। तीसरा हमने कहा वो अलजेब्रा में जाएगा इसलिए नहीं बताया, बाकी आगे से बड़े इजी इजी लगे होंगे इसलिए आपको आ गए होंगे। फिर पूछा था नवा और दसवां शायद पूछा था ना, थोड़ा दिमाग घूम गया होगा क्योंकि काफी ज्यादा समझा दिया हमने। कुछ लोग को तो पहले ही से आ गया होगा तो उनको तो अच्छा नहीं लगता है, अरे समझ में तो आ ही गया है सर इतना समझा रहे हैं, लेकिन हमें भाई सबको लेके चलना होता है कई बार। टीचर इतनी इतनी फीस लेते हैं, अभी आज एक लड़का बताने लगा बीएससी का आईआईटी जैम की तैयारी कहीं और से कर रहा है, वो जो राहुल बंसल हैं रावतपुर में उनसे तैयारी कर रहा है वो, वहाँ करीब आईटी जैम की 60,000 रुपए फीस है, 60,000 फीस बताते हैं, लेकिन वो मान के चलो 26-40 हजार देना ही पड़ता है, बताते तो 55-60 हजार है लेकिन 35-40 हजार देना ही पड़ता है सबको, तो मान के एवरेज मान के चलो करीब 35 से 40 हजार एवरेज मान के चलो देना ही पड़ता है फीस हर हाल में, तो इतनी फीस वो बताते हैं, इतनी फीस वो ले रहे हैं 35-40 हजार। पता चला अलजेब्रा की ग्रुप थ्योरी उन्होंने 15 दिन में खत्म करी, वहीं हमने अभी खत्म करी थी, क्योंकि ग्रुप थ्योरी तो कॉमन है भाई दोनों में, चाहे आईटी जैम हो चाहे नेट हो चाहे गेट हो, ग्रुप थ्योरी कॉमन है, सिर्फ सिलो थ्योरम वाला पार्ट जो आईटी जैम में नहीं है और सिलो थ्योरम वाला पार्ट हम लोग में है, नेट गेट जैम नेट गेट में है सिलो थ्योरम, है ना, सिलो थ्योरम पढ़ी है सबने, इसमें है अलजेब्रा में है, तो अभी जो फाइनल कर चुके हैं एमएससी हो चुका उनको मालूम, जो एमएससी कर रहे हैं उनको नहीं मालूम होगा, जो सिलो थ्योरम वाला पार्ट है वो आपका नेट वो जैम में नहीं आता है, बाकी पूरी ग्रुप थ्योरी है। हमने ग्रुप थ्योरी पढ़ाई थी करीब मान के चलो 4 महीने है, हालांकि उसमें कुछ एब्सेंट भी हुई थी लेकिन तब भी मान के चलो 3 महीने तो लग ही जाएगा हर हालत में, 3 महीने तो मान के चलो तब भी, वो 15 दिन में ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहे हैं, वो 3 घंटे क्लास लेते हैं, हम तो 1.25 घंटे क्लास, तब भी 15 या 45 यानी 1 महीना मान के एवरेज चलो, क्योंकि हम 1 घंटे की कभी 1.25 घंटे की क्लास ऐसे लेते थे, कभी 1.5 घंटे की इस तरह क्लास मेरी होती थी, 1 घंटे से कम तो जल्दी नहीं होती थी, तो हमने 3-4 महीने में करीब ग्रुप थ्योरी पढ़ाई और वो ग्रुप थ्योरी उठा खत्म कर दी, खत्म कर दिया उन्होंने इसने 45 दिन में, एवरेज मान के चलो 1 घंटे क्लास के हिसाब से 45 दिन, ऐसे तो उन्होंने 15 दिन में खत्म कर दी थी। या 15 दिन में तो कुछ होते ही नहीं है, आपने 3-3 घंटा पढ़ा देते हैं तभी, 3-3 घंटा जो पढ़ा देते हैं ना दिल्ली की कोचिंग है या कानपुर में भी एक आध कोचिंग है, 3-3 घंटा 4-4 घंटा पढ़ा देते हो, बच्चे के दिमाग में थोड़ी कुछ बढ़ता है, वो तो बच्चा तो 1-1.5 घंटा झेल पाता है, उसके बाद तो सिर्फ ऊपर से जाता है, उसके बाद तो सिर्फ ऊपर से जाता है, 3-4 घंटे का मतलब है कि 1-2 घंटा चल जाएगा, 2 घंटा तो झेल लेगा, बाकी जो पढ़ाया जाता है ऊपर जाता है खाली, लेकिन टीचर काम होता है सिर्फ खाली बस पढ़ा के निकल लो, कोचिंग वालों काम होता है। चलो भाई बस अभी कुछ लोग को निकल जाने दो, फिर आगे वाले वक्त में देखना, अभी देखना एग्जाम तो जाने दो, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट भाई यार, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना इतना आसान नहीं होता है, अगर कोई निकल जाता है तो स्टूडेंट बहुत अच्छा है भाई, हमने तो सब कुछ पढ़ा दिया है, बाकी स्टूडेंट भी बहुत अच्छा है फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई निकल जाता है तो, हालांकि इतना आसान नहीं होता लेकिन तब भी उम्मीद है, अभी जो नेट के वैसे ही हमने ऑफ किया है अभी कुछ दिन पहले, तो पिछला नेट का जो है अच्छा अभी एग्जाम होने वाला है, नेट का एग्जाम 1 महीने बाद है, एग्जाम चेंज हो गया भाई डेट, अब जो डेट है 29 जनवरी और 15 और 16 फरवरी, तो पिछली बार के अकॉर्डिंग जैसा कि हम बताए पिछली बार जो हुआ था वो नेट का एग्जाम था 19 और 25 और 26 था, तो मैथ का पढ़ा था 26 को नेट का एग्जाम, मैथ का सबसे आखिरी में था, तो अगर इस बार भी आखिरी में अगर मैथ का होता है तो मान के चलो फिर 16 फरवरी होगा, ऐसा हो जाए बहुत बेहतर है, नहीं तो गेट के एग्जाम के बड़ा पास लगा हुआ है, तो गेट का एग्जाम 5 फरवरी को है और फिर और गेट के एग्जाम के लिए कोई एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी होती यार, गेट के एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस और लीनियर प्रोग्रामिंग भी पढ़नी पड़ती गेट के एग्जाम के लिए, बाकी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, गेट के एग्जाम के लिए पढ़नी पड़ती हम लोग को दोनों चीजें। चलो फिलहाल 9th देखे, एक शायद बच जाए, हो सकता हो क्वेश्चन, लेकिन एक बच जाएगा तो यार कनेक्ट करके दोबारा पढ़ा देंगे, लेकिन क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। चलो 10th वाला बता दे, 9th वाला हो गया है, चलो ठीक है, पहले हम 10th बता दे रहे, जो लोग 9th पूछे उनको बता दें, 10th बड़ा छोटा सा है, पहले 10th बता दे रहे, लेट 10th पूरा क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, जून 2017 का है, जून 2017 क्वेश्चन है ये,
लेट एम एन आर आर नेचुरल नंबर, अगर डिस्कनेक्ट हो गया है क्वेश्चन में तो हम दोबारा कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन अभी ना होगा शायद मेरे ख्याल से। कितना हुआ है, एक घंटा चार पांच मिनट नहीं, अभी तो करीब मान के चलो सात मिनट बाकी है, करीब सात मिनट बाकी है, करीब सात आठ मिनट। एम एन आर ये क्या है, आपके नेचुरल नंबर है। आगे लेट ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज, ए क्या है हम शॉर्ट में लिख गए थे ऐसे, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स मतलब एम रोज है एन कॉलम्स है, रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। रियल मैट्रिक्स का मतलब होगा सारे एलिमेंट रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी का कोई काम नहीं। और क्या कह रहा है भाई, सच दैट इस तरह से है कि ए ए ट्रांसपोज स्मॉल टी का मतलब ट्रांसपोज है उसकी पावर आर, कह रहा है ये आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी कैसी है एम क्रॉस एम की, ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जहां पर आई क्या है, आई जो है वो एम क्रॉस एम की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एम की आइडेंटिटी शॉर्ट में लिख रहे सब, मतलब एम रोज है एम कॉलम्स है। और पढ़ते हैं भाई, इसका मतलब ए टी टी पावर का मतलब ट्रांसपोज है, एंड ए की पावर टी, उन्होंने बोल दिया कि पावर टी क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका मतलब ट्रांसपोज आप ऐसे लिख दो ए ए ट्रांसपोज की पावर आर बराबर आई, बात वही है, बात वही है ठीक है। चलो आगे, तो ऑप्शन चार दे रहा है, वो ऑप्शन क्या दे रहा है हम नोट नहीं कर रहे, लिख नहीं रहे बोर्ड पे ऑप्शन, ठीक है चलो चल लिख दे, छोटे छोटे ऑप्शन है। एक ऑप्शन है एम बराबर एन होगा, एम बराबर एन का मतलब है नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी, ये कह रहा है। दूसरा ऑप्शन है ए ए ट्रांसपोज इन्वर्टिबल होगा, ठीक है ए ए ट्रांसपोज 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 का हम डैश बना दे रहे, ठीक है इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल का मतलब इसकी डिटरमिनेंट जीरो नहीं आएगी, हमें ट्रांसपोज को डैश टी हटा के हमने डैश बना दिया, ठीक है इसमें टी आया था एग्जाम में, इसलिए यहाँ टी लिखा है। अगला है ए ट्रांसपोज ए इज इन्वर्टिबल, ये इन्वर्टिबल होगा, अगर एम बराबर एन है तो ए इन्वर्टिबल होगा, अगर एम बराबर एन है तब ए इन्वर्टिबल होगा। यार ऐसे जो करना क्वेश्चन बड़ा मुश्किल काम है, तो हम करने के लिए क्वेश्चन क्या कर ले रहे हैं थोड़ा सा, चलो कोशिश करते हैं हम लोग करने के लिए इसको, चलो शुरू करते हैं हम लोग जरा सा। भाई एक काम करते हैं, सॉल्यूशन करने के लिए आपको दिया क्या है, आपको दिया है ए ए ट्रांसपोज की पावर आर बराबर आई, इन्वर्टिबल पहले तो इन्वर्टिबल वाली बात कर लें, ए ए ट्रांसपोज इन्वर्टिबल है या नहीं है ये ऑप्शन पहले चेक कर ले, बड़ा आसान सा है ऑप्शन, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो भाई डिटर्मिनेंट ले लो, ठीक है ले लो जरा डिटर्मिनेंट, यहां पर आई की डिटर्मिनेंट ये तो वन आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वन होती है, आप कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो कितने बाई कितने की ले लो, और हमने ये बात प्रॉपर्टी बताई थी ना आपको, अगर ए की पावर आर की डिटर्मिनेंट निकालो या इसकी डिटर्मिनेंट निकाल के पावर आर करो, दोनों पावर बराबर, दोनों बात बराबर होती है, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे चलो मैं एक लाइन और बढ़ा दे, अब हमने इसकी डिटर्मिनेंट लिया डिटर्मिनेंट, अरे यार क्या लिख देते बार बार, हमने इसकी डिटर्मिनेंट लिया, अब आप सोच इसीलिए हमने लिख दे रहे इसीलिए पूरा लिख दिया, तो ये डिटर्मिनेंट हम कैसे लगे, पावर आर करके डिटर्मिनेंट लगाओ या डिटर्मिनेंट लगा के पावर आर लगाओ, बात एक ही होती है भाई, ये प्रॉपर्टी होती है हमने पीछे बताई है, चेक कर लेना, ये तो वन होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वन, जीरो तो नहीं हुआ, जब डिटरमिनेंट जीरो नहीं हुई तो इसका मतलब ये क्या है इन्वर्टिबल है भाई, जब ये खुद ही सी बात है भाई, जब ये जीरो नहीं तो इसका मतलब है ये अंदर वाला है ये जीरो नहीं है कि नहीं जरा बताओ, बिल्कुल सही बात है भाई, जब ये जीरो नहीं तो पावर कब जीरो नहीं होगी, जब ये जीरो नहीं होगा क्योंकि ये जीरो हो गया तो उसकी पावर आर भी तो जीरो ही हो जाएगी, अच्छा ये जीरो नहीं तो इसका मतलब इन्वर्टिबल, मतलब ये इन्वर्टिबल हो गया। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन टू हमने पहले कर दिया, ठीक है थोड़ा छोटा सा था ऑप्शन टू, ऑप्शन टू क्या हो गया ट्रू हो गया, ये ऑप्शन टू वाला ट्रू हो गया इन्वर्टिबल हो गए। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन टू के अलावा बाकी देखते हैं हम लोग जरा भाई, जब ये बात आ गई तो ये वाला ऑप्शन थ्री वाली जो बात है उसके बारे में जो है आपका वो हम लोग नहीं लिखेंगे, ऑप्शन थ्री नहीं कह सकते, हो भी सकती है नहीं भी, इसको नहीं चेक करेंगे हम लोग, ए डैश इन्वर्टिबल आ जाए अगर तो ए इन्वर्टिबल अगर आ जाए, इन्वर्टिबल की स्पेलिंग गलत लिखी कोई बात नहीं शॉर्ट में लिख दो, तो अगर ए डैश इन्वर्टिबल आ जाए
ए डैश ए इन्वर्टेबल हो भी सकता है नहीं भी, किसी को प्रूफ करना है तो फिर उसके लिए आपको मालूम क्या करना पड़ेगा, फिर उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ए और ए डैश मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एज अ प्रॉपर्टी याद रख लो यार, क्योंकि मानोगे ऐसे ऐसे ए और ए डैश मानो कि उनका प्रोडक्ट जो है इन्वर्टिबल आ रहा हो, उनके प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो आ रही प्रोडक्ट इन्वर्टिबल आ रही, पहले ऐसे मानो, फिर उसको ए डैश ए निकालोगे तो दिखेगा वो इन्वर्टिबल आ भी सकता है नहीं भी, तो हो सकता है आपने ऐसा माना हो कि इन्वर्टिबल आ जाए, तो फिर इसलिए ये चीज कहना गलत है भाई, ठीक है। पहली बात तो ए डैश ए के लिए कुछ दिया ही कहा है, अच्छा बताओ जरा सा, ए डैश के लिए दिया हुआ है, ए डैश ए के लिए कुछ दिया ही कहा है, और ए डैश ए और ए डैश हमेशा बराबर नहीं होते हैं भाई, बराबर हो भी सकते हैं, ए डैश बराबर ए डैश ए बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, तो ए डैश ए जो है वो बराबर वो इन्वर्टिबल हो भी सकता है नहीं भी, तो ये ऑप्शन हम नहीं कह सकते, गलत हो सकता है ये ऑप्शन, गलत कहेंगे हम लोग जब ऑप्शन कोई ऑप्शन कभी पर्टिकुलर केस में ट्रू हो, बाकी ट्रू ना हो तो फिर वो ऑप्शन को ट्रू नहीं मानते भाई, ये इन्वर्टिबल हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि इसके लिए कुछ दिया ही नहीं आपको, ए डैश ए कुछ दिया ही नहीं आपको, ए डैश ए के लिए कुछ नहीं दिया है तो वो हो भी सकता है ट्रू, नहीं भी ट्रू हो सकता है ये पता नहीं, तो फिर आप ये कैसे बता सकते हो ट्रू है, तो इसलिए इसको गलत मानोगे, ये तुम प्रूफ करके लाए ट्रू है। अब ये दोनों में से कोई एक बात देखनी कौन सी सही है, चलो अब हम लोग शुरू करें। अच्छा अगर इसी को ऑप्शन से ले रहे हैं हम लोग आगे, अब हमने जिन्होंने मैट्रिक्स की वीडियोस देखी होंगी उनके लिए बड़ी बढ़िया बात बताने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा रैंक का काम है, अभी रैंक पढ़ाई नहीं है, बस अब अगले टाइम पे रैंक शुरू हो जाएगी। चलो ऑप्शन वन या फोर में से कोई एक है ना कि नहीं, दोनों में से कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है भाई, इस दोनों में ऑप्शन भी हो सकते हैं भाई, ऐसा नहीं दोनों में से कोई एक, क्या दोनों भी हो सकते हैं, एम बराबर एन खाली कह रहे हैं, इसमें एम बराबर एन लेके चलना है और ए इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, तो चलो देखते हैं जरा हम लोग पहले, यहाँ तो कह रहे हैं एम बराबर एन होगा ही होगा, यहाँ पर कह रहे हैं अगर एम और एन बराबर होगा तो ए इन्वर्टिबल होगा, ये कह रहा है भाई, तो चलो भाई अच्छा ऑप्शन वन या कोई भी हम ले ले ले, ले रहे हैं हम लोग थोड़े सा एक सेकंड रुकना जरा सा, एक सेकंड टाइम देना जरा, अगर हम लोग एम बराबर अगर एन ले लेंगे, चलो करते हैं यार हम लोग क्या ले ले रहे हैं, अगर एम बराबर एन ले ले रहे हैं, पहले ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर पहले चेक कर ले रहे हैं, तो थोड़ा सा आसान पड़ रहा है कि ऑप्शन फोर में तो दिया ही हुआ है कि ऑप्शन फोर फोर चेक कर ले रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग ने क्या ले लिया एम बराबर एन ले लिया, यही तो कह रहा ऑप्शन फोर, अगर हम लोगों ने एम बराबर एन ले लिया, तो अगर हम लोगों ने एम बराबर एन ले लिया तो तब क्या हो जाएगा जरा बताओ भाई, ए हो जाएगी एम क्रॉस, नहीं अब एम क्रॉस एन कह लो या एन क्रॉस एन कह लो जो कह लो भाई, तो तब क्या हो जाएगी जरा बताओ, ए हो जाएगी आपकी एन क्रॉस एन कह दो या एम क्रॉस एन कह दो कुछ भी कह दो, ए हो जाएगी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, जब ए एन क्रॉस एन है तो उसका ट्रांसपोज भी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी एन क्रॉस एन ही तो होगा, कोई पांच कोई दो तीन बाई तीन की मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज भी तीन बाई तीन ही को तो आएगा, चार बाई चार थोड़ी हो जाएगा ट्रांसपोज, जब ये एन क्रॉस एन ये एन क्रॉस एन तो इस इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, ये भी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स को ही आएगी, बिल्कुल सही बात है भाई, ये भी आपकी एन क्रॉस एन आएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना, अभी पीछे लेके आ चुके हो, अब एन क्रॉस एन कह दो या एम क्रॉस एन कह दो कुछ भी कह दो भाई ठीक है, अभी आप ये पीछे अभी आप क्या करो, हाँ दोनों तरफ इसकी क्या करो, इसकी यहां पर डिटरमिनेंट ले लिया आपने, ठीक है, अभी पीछे आप प्रूफ कर चुके हो कि ये डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, एंड ये जो डिटरमिनेंट है पीछे अभी आप प्रूफ कर चुके हो कि ये डिटरमिनेंट कैसी है, नॉन जीरो है, अभी अभी आपने प्रूफ किया है क्योंकि ये इन्वर्टिबल है। अच्छा जब ये डिटरमिनेंट आपकी नॉन जीरो है और ये ए डैश क्या है स्क्वायर मैट एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट क्या आपकी नॉन जीरो है, अच्छा डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तो इसका क्या मतलब हो गया जरा बताओ, दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट में दोनों में अलग अलग डिटरमिनेंट चली जाती है, हाँ कहो बिल्कुल सही, दोनों में अलग अलग डिटरमिनेंट चली गई, अब बताओ ये दोनों ही जीरो नहीं होने चाहिए ना, पहली बात यही है ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट ए की डिटरमिनेंट के बराबर होती है, थोड़ा इधर लिख दे साइड में फॉरन नोट कर लेको, हम इधर से उधर बहुत लिखते हैं ना, नहीं तो बाद में ध्यान नहीं रहेगा आपको, तो ए के ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट और ए की डिटरमिनेंट बराबर होती है भाई, ये भी जीरो नहीं यानी ये जीरो नहीं, इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं इसका मतलब ए आपकी हो गई इन्वर्टिबल, यानी ये ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही हो गया, दूसरा और चौथा सही हो गया भाई, ठीक है। अब पहले में क्या कह रहा ऑप्शन में,
ऑप्शन में कह रहा है भाई कि आपका एम और एन जो है वो आपका बराबर है, ठीक है। आपसे कह रहा है एम और एन जो है क्या वो एम और एन बराबर होगा, एम और एन बराबर होगा मतलब ये जो है आपका ए ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कि कुछ पावर आर, क्या है कोई नेचुरल नंबर आर, 1 2 3 कोई भी ले सकते हो, कि आर तो नेचुरल नंबर है, स्मॉल आर कुछ भी ले सकते हो, तो ए ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आई है अगर दिया है तो एम और एन बराबर होगा तभी आएगा। चलो देख लेते जरा हम लोग एग्जाम्पल से। चलो अब आते हैं हम लोग ऑप्शन वन जरा चेक कर ले, हम लोग जरा चेक कर ले रहे हैं ऑप्शन नंबर वन। अब जरा देखते हैं भाई जरा ऑप्शन नंबर वन जो है आपका क्या कह रहा है। ऑप्शन वन, ऑप्शन फर्स्ट के लिए आपको क्या चेक करना है कि ए आपका एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। अब हाँ चलो ठीक है, रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, हम लिख नहीं रहे बार बार। और क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है कि ए ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की कुछ पावर करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती। चलो ठीक है, अब कुछ पावर का मतलब ये हम लोग थोड़ी देर के आर बराबर वन ही ले ले यार, क्या दिक्कत है, अगर हम स्क्वायर स्क्वायर करने में टाइम जाएगा, ठीक है, हमें थोड़ी देर के कर लिया, लेट आर बराबर वन, आर तो नेचुरल नंबर है ना, देखो आप लोग ऊपर कहीं दिया तो है नहीं कि आर वन नहीं ले सकते हो, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, तो आर वन ले लिया, ठीक है, तो यानी ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आई है, ये उन्होंने दे दिया, ठीक है, क्योंकि हम अपना करने के लिए। और क्या करना है आपको, आपको हम लेना क्या है, देन वो कह रहा ऑप्शन में क्या कह रहा है, एम बराबर एन होगा। हम उल्टा मान के चले, हम मान के चल रहे कि एम बराबर एन नहीं है, हम मान के क्या चल रहे हैं, हम मान के चल रहे कि एम बराबर एन नहीं।